एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉर्मी स्टाइल कॉर्नर। और आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं 3 इजी जोड़ा हेयर स्टाइल जो आप घर में बना सकते हैं बिना पार्लर गए, बिना पैसे खर्च करे। और इनको आप कैरी कर सकते हैं अपने किसी भी एथनिक अटायर के साथ, और किसी भी पार्टी फंक्शन को अटेंड करेंगे हर कोई आपसे पूछेगा कि आपने पार्लर से बनवाया है। इसके लिए हमने कर लिया अपने हेयर को डिटेंगल और एक बड़ा सा रफल लेके बना ली पोनी। आपको रफल का साइज़ थोड़ा बड़ा लेना है क्योंकि उसके ऊपर ही जूड़े का फॉल आएगा, तो जूड़ा बड़े साइज़ का लगना चाहिए। शॉर्ट हेयर लेंथ के लिए ये जूड़ा बहुत अच्छा बनता है, बड़े साइज़ का लगता ही नहीं कि ये छोटे बालों में बना है। तो अब आपको अपने हेयर्स के टिप्स को लॉक करना है एक नॉर्मल जो रबर बैंड आते हैं घर में मिल जाते हैं सबके नॉर्मली, इससे आप टिप को कर दीजिए लॉक। और उसके बाद अपने हेयर्स को इनसाइड डाउनवर्ड फोल्ड करते हुए नीचे लाना है और इसको आपको एडजस्ट करना है अपने रफल के चारों ओर। इस फॉल को, हेयर फॉल को आपको ऐसे एडजस्ट करना है कि आपका रफल दिखाई ना दे और ये एक फ्लावर की तरह हर तरफ से उसको कवर कर ले। बस टड़ा, जूड़ा रेडी। इसको आपको जूड़ा पिन से करना है हर तरफ से लॉक ताकि ये फिक्स हो जाए टाइटली। बस देखिए जैसे हम कर रहे हैं आपको जूड़ा पिन से इसको हर तरफ से लॉक करने के बाद इसको आप एक्सरसाइज कर सकते हैं किसी भी गजरे से, फ्लावर से, बन स्टिक से, रोजेस से, जो भी आपके पास एक्सेसरी हो। और अगर आप बिना एक्सेसरीज के ऐसे नॉर्मल भी रखते हैं तब भी ये बहुत अच्छा देता है क्योंकि ऑलरेडी इसका फॉल हम इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि एक फ्लावर जैसा ही लगता है। हम इसको एक्सेसराइज कर रहे हैं बन स्टिक से और उसके बाद एक रोज़ भी हमारे पास था, ये जो क्लिप्स आती हैं जूड़ा पिन उसमें रोज़ लगा हुआ होता है, तो हम उसको भी इसके साथ एक्सेसराइज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लुक देता है, बिलीव मी। नाउ नेक्स्ट स्टाइल के लिए डिटेंगल करके हेयर्स को आपको उसको पोनी बना लेना है इस तरह से। उसको डिवाइड कीजिए 4 या 5 पोर्शंस में, जितना आपको जूड़े का साइज चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इसको डिवाइड कर लीजिए। और उन सब की आपको बनानी है ब्रेड्स, इस तरह से 4 या 5 ब्रेड्स बना लीजिए जैसे कि हम अब बना रहे हैं 4 ब्रेड्स। और ब्रेड बनाने के बाद आपको इसको फैलाना है ब्रेड्स को, इसको लूज़ कर लीजिए ब्रेड्स को। और जैसे हम 4 ब्रेड्स ले रहे हैं तो एक ब्रेड को हम रफल के क्लॉकवाइज घुमाएंगे और नेक्स्ट ब्रेड हम बना के उसको अपने रफल के एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इस तरह से आपको 4 या 5 ब्रेड्स को लेके और रफल के सब तरफ से घुमा लेना है, वन टाइम क्लॉकवाइज, वन टाइम एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से सारी ब्रेड्स को आपको फैलाकर लूज़ जरूर कीजिएगा ब्रेड्स को लूज़ जरूर करिएगा क्योंकि उसी से ही जूड़े का साइज़ बड़ा होता है। और उसके बाद इस तरह से ब्रेड्स को आप वन क्लॉकवाइज, अनदर एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से आप बना के जूड़ा पिन से लॉक करते जाइए। जूड़ा पिन तो सबके पास होती है, ये कोई लग्जूरियस हेयर एक्सेसरीज नहीं है कि किसी के पास नहीं होती। और बस नेक्स्ट इंस्टेंट जूड़ा रेडी, टन टन। उसके बाद आपको एक्सरसाइज करना है, उसके बाद इसको एक्सरसाइज करना है आपको किसी भी फ्लावर से, गजरे से, जो भी आप करना चाहें। नाउ द 3rd वन, ये है सबसे इजी हेयर स्टाइल। इसमें क्या करना है आपको, डिटेंगल करके आप अपने बालों को उसको पोनी बना लीजिए और लीजिए एक डोनट। ये है एक डोनट जो इजीली मिल जाता है किसी भी आपके जो कॉस्मेटिक शॉप होती है उसमें। और डोनट में बाल को चारों तरफ से आपको फैलाना है और रबर से लॉक कर लीजिए। बस एक्स्ट्रा हेयर्स को आपको फोल्ड करना है अपने डोनट के इनसाइड, वन क्लॉकवाइज, वन एंटी क्लॉकवाइज। और जूड़ा है रेडी, आप उसको पिन से कर लीजिए लॉक एक्स्ट्रा हेयर्स ताकि निकले ना। बस और कर दीजिए उसको एक्सरसाइज जैसे कि हम कर रहे हैं। हमारे पास ये था अवेलेबल तो हमने इसी से कर लिया, ये गजरा आर्टिफिशियल गजरा है। और या फिर कर सकते हैं इस तरह भी, आप भी बनाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसे बने आपका जूड़ा। हमारे साथ शेयर कीजिएगा अपना एक्सपीरियंस और जुड़े रहिए हमसे और भी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।